if we talk about gender basis stereotyping, so it's, I think it's a trend that gets developed in a particular time. Okay. जैसे अभी के टाइम में कि इस तरह से ही ड्रेस होना इज फीमेल, या इस तरह से बिहेव करना इज फीमेल, या मेकअप इज जस्ट फॉर फीमेल, और मेल्स के लिए कुछ एक, अगर जैसे आप अर्बन सिटी में रहते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस इज दिस इज अर्बन, दिस इज मेल ड्रेसिंग, दिस इज फीमेल ड्रेसिंग. इस तरह की बेसिक चीज़ें स्टीरियोटाइप्स होती है जॉब्स कि ये एक मेल का जॉब, ये फीमेल का जॉब नहीं. और ये डेवलप होता है आई थिंक के उस पर्टिकुलर उस समय जो सोशल थिंकिंग चल रही है, एक मास थिंकिंग चल रही है, इसमें इंडिविजुअलिटी नहीं है कोई. जैसे हर चीज़ को कह दिया जाता है कि ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, तो उससे स्टीरियोटाइप बिल्ड हो जाते हैं. उस चीज़ को अपोज करने वाले लोग कम है. मैं इस कार्य में, मैं भगवान में बहुत बिजी रहती हूँ, भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, सुबह जहाँ जाती हूँ बधाई लेने जाती हूँ, वहाँ पे खूब खुशियाँ मनाती हूँ, खूब बधाई देती हूँ. जहाँ शादी होता है वहाँ भी जाती हूँ, जहाँ बच्चा होता है वहाँ भी जाती हूँ. हम अच्छे अच्छे दुआ देते हैं, किसी भाई को नौकरी लगे, किसी भाई को शादी हो, किसी बहन को लड़का हो, मालिक रे खुशियाँ, सुबह सुबह उठ के दुआ मांगते हैं. हमारा समाज वाले यही करते हैं, यही दुआ देते हैं. हमारे बस्ती में, हमारे वार्ड नंबर 51 में पानी की समस्या है, और क्या बोले सिविल लाइन की भी ज़रूरत है. इसी के लिए हम पार्टी में उतरी हूँ, अपना समाधान करने के लिए, मेरा जनता के लिए. पब्लिक में ये कहने वाले, उनको लगता है ये कहने से यार हम पे कोई क्वेश्चन करेगा, या समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, टोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब ये स्टीरियोटाइप और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं. सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप जो अभी मुझे लगता है यूथ को फेस करना पड़ रहा है, मेरी एज के लोगों को, ये है कि एक इस पर्टिकुलर एज में आपको शादी एज ए फीमेल कर लेनी चाहिए, जो अभी मेल्स को नहीं फेस करना पड़ रहा. उनको अलाउड है कि वो 32, 33, 35 तक भी शादी कर, तो वो एक ओवरऑल वायलेंस है. पर फीमेल के ऊपर मुझे सबसे बड़ा वायलेंस ये लगता है कि लोगों का उनको देखने का तरीका, उनकी तरफ जो बिहेवियर है, ग्रुप में जिस तरह की बातें होती है, सेक्सुअल जोक्स है, छोटे मोटे सेक्सुअल जोक्स भी उन पर, मतलब वो आप कुछ बोलोगे नहीं तो वो एक दिन बहुत बड़ा इशू बन जाते हैं. इफ़ आई एम लुकिंग एट द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर, एज पर मी एवरी सिंगल टाइम, बी इट अ मेल और अ फीमेल, व्हेन दे आर पुट इन द सर्टेन कैटेगरीज दैट यू नो दैट्स व्हाट दे कैन डू बीइंग दैट जेंडर, दैट्स व्हाट दे कैन नॉट डू और शुड नॉट डू बीइंग दैट जेंडर, फॉर मी दैट इज यू नो बीइंग जेंडर बायस्ड. रूढ़िवादी तो दो तीन चीज़ें उससे डिफाइन हो जाती है, मेल और फीमेल का जो स्टीरियोटिपिकल जो वर्ड है ना, कि उस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये जेंडर ये वर्क करेगा, ये जेंडर ये वर्क करेगा. तो उसके इन फ्यूचर आते आते चीज़ें तो काफ़ी ऊपर नीचे हुई है, पर ये डिफाइंड था कि बाहर का काम आदमी करेगा और डोमेस्टिक वर्क फीमेल करेगी. तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसमें एक इक्वालिटी भी थी, काम बटा हुआ था. पर प्रॉब्लम ये हुई कि बाहर काम करने वाला कुछ पैसा कमाता है, और घर में काम करने से पैसा कमाया नहीं जाता, तो वो इनबैलेंस दिखने लग गया. तो कमाने वाले को लगा कि वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा मनवाना चाह रहा है. तो ये जब मनवाना चाह रहा है और एक जेंडर मान रहा है, तो ये स्टीरियोटिपिकल हुआ कि भाई मेल इम्पॉर्टेंट है, फीमेल डोमेस्टिक वर्क करती है, और इस तरह से स्टीरियोटिपिकल होने लगा. और लोग स्टीरियोटाइप्स तो बहुत हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में तो बहुत मिल जाएंगे, हर गली में मिल जाएंगे, हर टाइप के स्टीरियोटाइप मिल जाएंगे. रिलीजन बेस्ड बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट बेस्ड बहुत ज़्यादा हैं, और हाँ जेंडर बेस्ड तो ऑब्वियसली है ही, और उनका फॉर्म अलग अलग है थोड़ा बहुत अलग जगह. आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो अलग मिलेंगे आपको स्टीरियोटाइप, और रूरल एरियाज में डिफरेंट मिलेंगे. बट स्टीरियोटाइप्स इज बेसिकली कि आपने एक विचारधारा जो है कहीं से आपने ग्रहण की, ले ली,
और उस पर आपने अपना दिमाग नहीं लगाया और उसके बाद उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, दैट इज स्टीरियोटाइप. एनीथिंग स्टीरियोटाइप तो बहुत फेस किए हैं, मेरे भी हैं जो ऑब्वियसली मुझे दिखेंगे नहीं इतनी आसानी से. अगर मैं कभी उनको फेस करने की हिम्मत रखूँगा तभी दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे. तो स्टीरियोटाइप मुझ में भी हैं और फेस मैंने काफ़ी किए हैं, मतलब मैरिज रिलेटेड कि हाँ भाई शादी क्यों नहीं कर रहे ये वो फलाना ठीक है ना, शादी नहीं करा तो गड़बड़े बंदे के साथ कुछ. एंड फाइनेंशियल कि हाँ जॉब करो, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन राइटर, सो अंदर से सब सोचते हैं यार क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं. सो दीज आर आई मीन वेरी कॉमन स्टीरियोटाइप्स विच मैनी पीपल फेस, तो इसमें कोई नॉट अ बिग डील. मतलब ऐसा क्यों होता है कि आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर हमने सिर्फ स्ट्रीट्स पे देखे हैं, एनजीओस में देखे हैं, या हमने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखे हैं, और कोई जगह जैसे हम कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं या हम कोई स्कूल में हैं या हम कॉलेज में हैं या लाइब्रेरीज में हैं तो वहाँ नहीं दिखते हमको कोई भी ट्रांसजेंडर? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न या कुछ ऐसा आपके दिमाग में? आई थिंक एक्सेप्टेंस नहीं है पहली बात तो. अगर यहाँ पर आगे कोई ट्रांसजेंडर बैठ जाए तो ही इज़ अलाउ, ही और शी वॉट एवर, मतलब अलाउड टू डू दैट, और कोई इसको रोक नहीं सकता. बट पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एंड दे विल मेक दैट पर्सन फील कि हाँ यू आर नॉट वॉन्टेड एट दिस प्लेस. तो ये जो लाइब्रेरीज, कैफेज एंड जो ऐसी प्लेसेस में दे आर मेड टू फील कि दे आर नॉट वॉन्टेड, दे आर नॉट नीडेड, चले जाओ यहाँ से. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे अवॉइड दोस प्लेसेस. So I basically think that transgenders are, well, they have the power to accommodate and come up to the levels that people will really listen to them. But the weaker section which remains sometimes is like female, and they are the most affected ones. On what basis is that? Probably people think that they are thin, they are fragile, they are gentle, they are meek. Yes, they are, but at the same time, people tend to take advantage out of it, and which is not correct. And that's the reason they are taken as a prey from, you know, the people outside who tend to act as demons. इस level का division खत्म हो, मतलब gender की बात ही नहीं होनी चाहिए. As a human ही हर जगह देखा जाए. और दूसरा सबसे बड़ा तरीका है कि भाई आने वाली जनरेशन को हम इस लेवल पे एजुकेट करें. चिल्ड्रन बुक्स तक में इस लेवल की मेंटल टैपिंग होनी चाहिए बच्चों में कि भाई वो इस चीज़ डिवीजन को भूलने लग जाए. मतलब उन किताबों में ये इश्यूज आने चाहिए. मतलब ट्रांसजेंडर्स की छोटे बच्चों की बुक्स में कहानियाँ होनी चाहिए. हर तरह की सेक्शुअलिटी की, गेज रिलेशनशिप्स हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं, उनके ऊपर भी कहानियाँ होनी चाहिए कि वो बच्चे डरे ना. मतलब जब वो बड़े होने लगे तो उन्हें लगा हाँ ये तो हमने पढ़ा है. आपका नाम और आप क्या करते हैं? सॉरी यार एक बार नॉर्मल होके फिर शुरू कर दिया, तू एडिट कर लेना ये सब कुछ. क्या ऐसे कौन बोलता है इंटरव्यू में कि मेरा नाम मोमिल है और मैं क्या करता हूँ? मेरा नाम मोमिल है और मैं थिएटर करती हूँ. स्टीरियोटाइप मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग भी या सबके अकॉर्डिंग एक ही मीनिंग है उसकी, तो कि कोई भी चीज़ को बिना किसी फैक्ट को जाने और अपनी सोच तक सीमित कर लेना, उसको उसी में बांध लेना स्टीरियोटाइप है. दिमाग में कैसे बसता है चाहता है? तो ये दिमाग में कैसे आता है किसी इंसान के स्टीरियोटाइप्स? हाँ, कैसे बनता है? मुझे लगता है दो चीज़ है. पहली तो कल्चरल की जो चीज़ें हमारे आसपास में या हमारे घर में कोई ऑलरेडी मानता हुआ चला आ रहा है बिना जाने उस बात को, तो वो एक तो उस सोच को कंटिन्यू करना कि वो ऐसा ही होगा, वो ऐसी ही है या इस तरीके की चीज़ें होती ही हैं. तो एक तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे लगता है वो तो कल्चरल जो पूरा घर के साथ में जो आता है आपके अपब्रिंगिंग के दौरान जो आपके अंदर डाला जाता है. सेकेंड जो हम विद टाइम बिना जाने और जनरलाइज़ करते जाते हैं चीज़ों को कि दो लोगों ने ऐसा कुछ किया लेकिन हमने मान लिया कि वो पूरी कम्युनिटी इस तरह का कुछ करती है. अपना 100% देने की कोशिश करेंगे अगर हम तो ज़रूर ये चीज़ सुधरेगी. अगर आप लोग इफेक्टेड हैं इस चीज़ से तो आप बाहर नहीं आ रहे हैं, बाहर आइए सब साथ में. लाइक डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, राइट? तो हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा.